रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि आर्क लेंथ ऑफ सर्कल जो है, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल जो है वो किस तरह से निकाली जाती है। तो इससे पहले, अगर आपने मेरा ये चैनल एम एस सिविल अकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज़ जल्द मौसूल हो सके। तो चलिए अब हम लेसन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ड्राइंग समझा दूँ कि ये ड्राइंग में बना हुआ क्या है। फ़र्ज़ कर ले कि ये दो दीवारें हैं और इनके ऊपर जो है वो एक हमारा जो है कॉर्ड जो है वो बन रहा है। कार्ड हमारे पास कैसे बन रहा है कि ये जो सर्कल का कुछ हिस्सा है इसको तो हम आर्क बोलेंगे, लेकिन जो इसके नीचे जितना भी हमारे पास हिस्सा आएगा इसको हम कार्ड बोलेंगे। सो हमारे पास जो स्पेन है इन दो दीवारों के दरमियान वो है हमारे पास 27.75 फुट, और जो यहाँ से लेकर इस दीवार के इस कोने तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 5 फुट, और सिमिलरली इधर से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 5 फुट। और इन तीनों डायमेंशंस को आपस में प्लस करने के बाद जो हमारे पास टोटल कार्ड जो है वो आ जाएगा वो है 37.75 फुट। और जो इस कार्ड का हाफ डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है हमारे पास, इसको हम दो पर डिवाइड करेंगे तो इसको मैंने ए से डिनोट किया हुआ है। सो वो हमारे पास हो जाएगा 18.872 फुट। और जो आर्क लेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है, और जो इसके सेंटर से लेकर कार्ड के सेंटर से लेकर आर्क के सेंटर तक का फासला है वो मैंने एच से डिनोट किया हुआ है, और एच इज़ इक्वल टू 4.58 फुट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है। फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू पाई थीटा आर बाय 180, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पाई थीटा डी बाय 360, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 पाई थीटा आर बाय 360। इन तीनों में से जो भी आप फार्मूला यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि आर जो है वो हमें मालूम करना है। हमें क्या करना है कि नाउ वी नीड आर। सो आर हमारे पास क्या है, रिमेंबर आर इज रेडियस विच इज रेडियस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर ओवर 2h। अब हम हमारे पास जो गिवन में है वो है हमारे पास ए और एच। सो ए हमारे पास कितना था, ए था हमारे पास 18.872 फुट, 18.872 फुट, और जो एच है वो हमारे पास है 4.58 फुट, 4.58 फुट। अब हम क्या करेंगे कि जस्ट इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे, पुट वैल्यूज़ इन फार्मूला।
जस्ट हमने इस वैल्यूज़ को जो है वो इसमें पुट कर देना है। सो ए जो है वो हमारे पास है 18.872 फुट का स्क्वायर, प्लस एच जो है वो है हमारे पास 4.58 का स्क्वायर ओवर 2 × h 4.58। सो इसको आपस में प्लस और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है आर इज़ इक्वल टू 41.183 फुट। सो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रेडियस। अब हमें क्या करना है कि इसका जो थीटा है, थीटे की वैल्यू वो हमारे पास रह गई है, ये थीटा की वैल्यू। अब हम वो मालूम करेंगे कि नाउ वी नीड थीटा। सो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉर्ड जो था वो हमें दिया गया है एज 37.75 फुट। कॉर्ड जो है वो हमारे पास कितना है, 37.75 फुट कॉर्ड। एंड कॉर्ड का फार्मूला जो है वो हमारे पास है, फार्मूला इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2r sin थीटा। सो इट कैन फाइंड थीटा फॉर दिस वी हैव। सो इसके लिए हमें थीटा जो है वो फाइंड करना है। सो हम सबसे पहले तो फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं, सी इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाय 2। गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, गिवन वैल्यूज़ में हमारे पास एक तो सी की वैल्यू है, जो सी हमारे पास कॉर्ड था 37.75। और हमारे पास आर की वैल्यू है जो हमने अभी निकाली, आर इज इक्वल टू 41.183। आर इज इक्वल टू 41.183। अब हमें इस फार्मूला में ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। सो सी इज़ इक्वल टू 37.75 इज़ इक्वल टू 2 × r जो है वो हमारे पास है 41.183 और sin θ/2। अब हम क्या करेंगे कि जस्ट इस वैल्यूज़ को हम इसके नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे, 37.75/2 × 41.183 इज इक्वल टू sin θ/2। सो ये हमारे पास sin θ/2 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 0.458312009। और जो sin θ जो है वो हमारे पास हो जाएगा sin θ/2 इज इक्वल टू 0.458312009।
अब हम क्या करेंगे कि इस साइन को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। सो थीटा बाई टू इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 0.458313 2009। सो थीटा इक्वल टू 2 × 27.278। सो थीटा इज इक्वल टू 54.5566। सो थीटा की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई। अब हमें आर्क लेंथ जो है उसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है। नाउ वी नीड आर्क लेंथ। सो फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ पाई थीटा आर बाय 180। सो एल इज इक्वल टू पाई थीटा आर बाय 180। सो गिवन वैल्यूज जो थी वो हमारे पास क्या थी, गिवन वैल्यूज में आर आर हमारे पास क्या था, ये जो आर इज इक्वल टू 41.183 और थीटा जो है वो भी अभी हमने निकाला है, थीटा इज इक्वल टू 54.556। अब हम जस्ट इसमें वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देनी है। सो एल इज इक्वल टू पाई इंटू 54.5566 इंटू 41.183 ओवर 180। सो जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क वो हमारे पास आ जाएगी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और 180 पर डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास लेंथ है वो आ जाएगी 39.214 फुट, विच इज़ आवर आर्क लेंथ। सो ये जो हमारे पास लेंथ है इसकी वो कितनी निकल आएगी, 39.214 फुट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।